पेशी के दौरान इमरान ने देशभक्ति का दांव चल दिया है। इमरान बोले, कुछ भी हो देश से नहीं जा रहा। इमरान ने पिटाई का फिर भी आरोप लगाया है, यानी इमरान ने यह कह दिया कि वो देश में ही रहेंगे, देश में ही जिएंगे, देश में ही मरेंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे फिर से पीटा गया। इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि उनकी पिटाई हुई, डंडों से पीटा गया उनके साथ, और कहां उनको रखा गया उनको कुछ नहीं मालूम, बहुत बुरा सलूक हुआ। लेकिन इमरान खान ने अब देशभक्ति का कौन सा दांव चल दिया है, जल्दी से आपको यह दिखाते हैं। यह मेरा देश है और मैं कहीं नहीं जा रहा, यह इमरान खान ने कहा है। हमारे देश की सेना हमारे लोग हैं, मेरी फिर गिरफ्तारी हो सकती है, यह इमरान खान ने यहां पर अभी अंदेशा जताया है। गिरफ्तारी नहीं तो नहीं, मेरा अपहरण हुआ, यह कहा था उन्होंने। मुझे पीटा लेकिन मैं देश में ही रहूंगा, यह इमरान खान ने कहा है। जल्दी से कोमोडोर सिंह देखिए, इमरान और वर्सेस पाकिस्तान सेना का भी एक माहौल बन रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा, एक बड़ी खबर है मेरे पास। लेकिन जल्दी से आप मुझे बताइए, आप किसको इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस स्थिति को देखें पाकिस्तान की, तो यहां पर इंडियन इंटरेस्ट कहां ठहरता है? देखिए, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर डिवीजन हो चुकी है। एक साइड पे गवर्नमेंट है और आर्मी उसके साथ खड़ी हुई है, दूसरी साइड जुडिशरी और इमरान खान की पार्टी, और जैसे आप कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो उसकी फेवर में जाते, ऐसे लग रहा है कि ये पूरी अब सिविल वॉर की तरफ वो है, इसका मुख हो चुका है। मगर जैसे आप एमरजेंसी लगने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने कंट्रोल की है सारी सिचुएशन पाकिस्तान वो आर्मी है, क्योंकि चलाने वाली डीप स्टेट जो है वो आर्मी है। लेकिन आर्मी में भी ऑल इज नॉट वेल सर। आर्मी को लेकर मेरे पास एक खबर है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। आर्मी को लेकर एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान फौज का इमरान के समर्थकों के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर, हिरासत में इमरान समर्थकों को बुरी तरह पीटा है आर्मी ने, यह आरोप आर्मी के ऊपर लग रहा है, पाकिस्तान की आर्मी पर। इमरान समर्थक सैनिक और उनके परिवारों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने आ रही है। सेना के 100 से ज्यादा अधिकारी और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। यानी सेना में जो इमरान समर्थक लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और अगर 100 से ज्यादा अधिकारी सेना में गिरफ्तार किए गए हैं, उनके घर वालों को, उनकी पत्नियों को गिरफ्तार किया गया है, तब तो ये खबर है, बताती है कि आर्मी में भी डिवीजन हो चुका है, न केवल सोसाइटी में बल्कि आर्मी में भी डिवीजन हो चुका है। और जल्दी से आपको दिखाते हैं पाक फौज की नापाक हरकत क्या है, पाकिस्तान की फौज कैसे इमरान के समर्थकों को कुचलने में लगी हुई है। आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान की फौज पर कुछ संगीन आरोप लग गए हैं। देखिए, पाक फौज का इमरान के समर्थकों के साथ थर्ड डिग्री का आरोप लग गया है, थर्ड डिग्री टॉर्चर का। जेल में इमरान समर्थकों की बुरी तरह से पिटाई किए जाने का आरोप है। पाकिस्तान फौज का इमरान समर्थकों की परेड निकालने का वीडियो सामने आया है। परेड के दौरान इमरान समर्थक पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज्यादातर इमरान समर्थकों के शरीर पर कपड़े नहीं दिख रहे हैं। समर्थकों के अलावा इमरान की पार्टी पीटीआई के नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। पीटीआई नेताओं को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इमरान का समर्थन क्या सेना के अधिकारियों को भी महंगा पड़ गया, आइए जल्दी से ही देखते हैं। पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा अधिकारी और उनकी पत्नियां गिरफ्तार किए गए। सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर के सूत्रों का दावा है, अधिकारियों के इमरान खान का समर्थन होने के आरोपों की जांच चल रही है। सेना चीफ की बात नहीं मानने पर सीनियर ऑफिसर बर्खास्त किए गए हैं। इमरान के नाम पर पाकिस्तानी फौज पहले से ही 2 हिस्सों में बटी थी, अब आसिम मुनीर दूसरे धड़े के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। आसिम मुनीर कौन है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ है, कमांडर कोर लाहौर के, कमांडर फोर कोर लाहौर के जनरल सलमान फयाज गनी को भी हटाया गया है।